गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल बाजार के कुमार। तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है आरती ड्रग्स लिमिटेड स्टॉक। इस स्टॉक में बहुत ही हलचल मचा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। उन लोग के मन में यही प्रश्न आ रहा है कि स्टॉक कब भाग जाएगा, कब भागेगा, कब भागेगा। तो स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में पूरी एनालिसिस बारे में बात करेंगे हम लोग। स्टॉक की आगे की रणनीति क्या होगी, आगे के लेवल क्या होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा ताकि आप फायदे में रह सकें। तो देखिए, अगर हम सितंबर 11 तारीख की बात कीजिए, देख सकते हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट 28.4 पॉइंट लेवल चल रहा है। ओपन हुआ था 2866 पे और हाई देखिए 2898। कुछ ज़्यादा खास हाई देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक की लो देखे तो 2826। तो स्टॉक ऑलमोस्ट उसकी लोएस्ट प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है और स्टॉक की 52 हाई देखिए था 3719। तो अब ये लेवल कब ब्रेक होगा, कब लेवल आएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं। तो उन्हीं के सवाल को हम जवाब देने के लिए रेडी हैं। तो देखिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो आगे देखिए हिस्ट्री लाडा जो दिखा रहा है, देखिए ऑलमोस्ट 2600 का लो हुआ था वो 1 सितंबर को। वहीं से एक रिवर्सल देखने को आया था। जब जब स्टॉक इसमें स्टॉक की बात करें, स्टॉक देख लीजिए फिलहाल तो अभी 26 से लेके 3000 के लेवल में ट्रैवल कर रहा है। अगर इसको 3700 को लेवल क्लोजिंग करना है तो इसको 3000 के ऊपर क्लोजिंग देना है। ये लेवल ध्यान देखिए, अगर इसको फिर से नया रिकॉर्ड बनाना है तो फिर से इसको 3000 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी स्टॉक में आग लगेगा। फिलहाल तो अभी स्टॉक एक रेंज बाउंड में ट्रैवल कर रहा है, ऐसा कोई मोमेंटम नहीं रहा है। स्टॉक को न्यूज़ की डिक्लेयर है, जब तक बोनस का डेट नहीं आता, डिक्लेयर नहीं होता, वो तो सितंबर के 20 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा। तो सितंबर 20 तारीख के बाद ही इसमें हलचल हो सकता है और नेक्स्ट वीक में थोड़ा उम्मीद लगा सकते हैं स्टॉक में थोड़ा आगे बढ़ती देखने को आएगा, क्योंकि दिन रिकॉर्ड का डेट ऑलमोस्ट नियर आ चुका है, उसी के लिए स्टॉक वेट कर रहा है। तो स्टॉक देखिए डिलीवर क्वांटिटी, देखिए स्टॉक में ऑलमोस्ट 29% डिलीवर क्वांटिटी देखने मिल रहा है। और देखिए स्टॉक की बात कीजिए, वॉल्यूम उतना खास अभी तक नहीं आया, ऑलमोस्ट 14000 के पास वॉल्यूम देखने, 1,47,000 के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बेसिक चार्ट देखिए, बेसिक चार्ट तो ये दिखला रहा है, देखिए स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रैवल कर रहा है। बोला मैंने तो पहले कहा था 26 से लेके 3000 के लेवल में ट्रैवल कर रहा है स्टॉक फिलहाल। तो स्टॉक के ऊपर जाने के लिए इसको 3000 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी स्टॉक में आगे जा सकता है फिलहाल तो। और देखिए टेक्निकल बात करें, टेक्निकल अभी इंडिकेटर बुलिश सिग्नल दे रहा है। और देखिए 5 दिन 10 दिन अभी इंडिकेटर बुलिश सिग्नल दे रहा है और शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म देखिए बुलिश सिग्नल है। और 250 की बात करें, 250 ऑलमोस्ट बुलिश सिग्नल है, इज़ वेरी गुड, 59 के आसपास है। MACD बुलिश सिग्नल दे रहा है और 800 बुलिश सिग्नल देखिए। विलियम परसेंटेज एंड मानीफोल इंडेक्स बेयरिश सिग्नल है ओवरऑल। और देख सकते स्टॉक की बेसिक चार्ट की बात करें, देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट अगस्त 6 से देखिए यहीं से एक तो रेंज आया, फिर ट्रैवल आया, फिर एक तो सुपर ट्रेंड जो यहाँ पर था यहीं पर ख़त्म हो गया, फिर से एक स्टॉक में गिरावट आ रहा है। तो स्टॉक में जो गिरावट कब तक रहेगा इसके बारे में बात करें, देखिए स्टॉक जो लेवल आ रहा है, अब देख सकते हैं लेवल की बात कीजिए, देखिए स्टॉक की जो रेड लाइन है ये नेगेटिव ट्रेंड के लिए सिग्नल देता है। तो स्टॉक अभी 28.42 के लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। अगर स्टॉक में आप लोग को पोजीशन बनाना है तो आप लोग 27.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक को भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें ज़्यादा था तो सेल कर दीजिए स्टॉक को। अगर स्टॉक देखते हैं आप लोग को 2900 के ऊपर जा रहा है तो आप लोग के लिए ऊपर के लेवल 3200 का लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही लेवल आ सकता है स्टॉक में। तो स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ चाहिए और स्टॉक का बहुत ही अच्छा वॉल्यूम चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो लोग को मैं यही कहूँगा आप लोग होल्ड कीजिए। लॉस में तो बिल्कुल सेल नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि लॉस में सेल करते आप लोग का लॉस होगा ना, क्यों सेल करेंगे आप लोग। और कुछ दिन वोट कितना दिन वोट किया, 8-10 दिन की तो बात ही है, और कुछ दिन वोट के देख लीजिए, अगर नहीं चला तो आप लोग सेल कर दीजिए, ये तो कहूँगा मैं आप लोग को। फिलहाल लेवल तो यही देख लेगा और ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो स्टॉक को गिरा दे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब देखिए लेवल जो निकल कर, देखिए स्टॉक का पिवट पॉइंट निकल का है, 2835 का पिवट पॉइंट निकल चुका है। स्टॉक के ऊपर जाता है 3070 के ऊपर जाता है, तब देन 3248 देन 3519, ये लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। और स्टॉक के देखिए सपोर्ट देखिए 2621 देन सपोर्ट 2386 देन 2172, ये लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर एक बिगिनर, हर एक स्टॉक के जो लोग होल्ड कर चुके हैं, स्पेशली जो लोग इसमें स्टॉक में पोजीशन बनाए रखे, उसके लिए वीडियो जरूरी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इतना ही, फिर आओ।